बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि वॉइस ऑफ एमपी खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन, वो एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के एक बड़े नेता से टेलीफोन पे चर्चा हुई। मेरी उनकी बातचीत में उन्होंने केवल एक बात बोली और कहा, रात कितनी भी घनी अंधेरी हो लेकिन सुबह तो होती ही है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा, अब आप सोचिए इसके क्या क्या आशय निकलते हैं। दूसरी खास बात जो मुझे पता चली वो ये कि मध्य प्रदेश में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, इस पूरे ऑपरेशन का नाम बीजेपी ने ऑपरेशन होली दिया है। अब ये कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अपुष्ट खबरें हैं वो ये है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन होली है। एक और ख़ास बात, इस समय कांग्रेस के तीन विधायक हरदीप सिंह डंग, बिसाऊ लाल सिंह, रघुराज कंसाना और एक निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, ये चारों विधायक इस समय बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु के पाम मेडाउस रिसोर्ट के अंदर ये ठहरे हुए हैं और सूत्रों ने यह भी बताया कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अरविंद भदौरिया भी मौजूद हैं। अब कुल मिला के सवाल यह उठता है कि यह पूरा घटनाक्रम 3 मार्च से शुरू हुआ, 3 मार्च से आज तक ये जो चारों विधायक है ये लापता है। तब सवाल ये उठता है कि ये विधायक किसके कहने पे लापता है, किसके आश्रय पे लापता है। और कल जब हरदीप सिंह डंग ने का इस्तीफा वायरल हुआ और उसका परिवार जब ये बोल रहा है, उनका परिवार, उनके माता पिता बोल रहे हैं कि उन्होंने सीने पे पत्थर रख के ये काम किया होगा, यानी कि ये इस्तीफा हरदीप सिंह डंग ने ही दिया है, सोच समझकर ही ये इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व किसी भी प्रकार की सरकार गिराने की बात से इनकार कर रहा है, लगातार बीजेपी के नेता खंडन कर रहे हैं, वहीं इस समय भोपाल के सारे बड़े नेता दिल्ली में हैं। दिल्ली में बीजेपी की लगातार बैठक चल रही है। कल रात को भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मैराथन बैठक चली, विचार विमर्श चल रहा है। तो पहली चीज़ कि जो चार विधायक अब तक लापता है वो आखिर क्यों है, क्या कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी आरोपों से इनकार कर रही है और वे सरकार गिराने की बात से इनकार कर रही है, वो पूरे मामले को कांग्रेस का अंदरूनी कलह का मामला बता रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये चार विधायक जो बेंगलुरु में हैं, जो पाम मेडोज रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, किन के भरोसे पे गए हैं। और हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस विधायक है, उनका जो इस्तीफा वायरल हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम में यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो फिर ऐसा सब क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि जब से ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ है तब से दिल्ली की आबोहवा भी गर्म है। कल रात को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पे प्रदेश के से जुटे भाजपा के बड़े नेताओं की मैराथन बैठक चली। आज भी दिल्ली में सारे बड़े नेता जुटे हैं बीजेपी के और लगातार चर्चाओं का दौर दिल्ली में जारी है। तो कुल मिला के ये बात ये बताती है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ बात चल रही है। दूसरी खास बात ये भी सुनने में आ रही है कि कांग्रेस विधायक बिसाऊ लाल सिंह आज शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं। अब यदि इन इस्तीफों की गणित पे बात करें तो इस समय फ्लोर के अंदर जो संख्या बल है उसमें 114 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, बीजेपी के 107 है, एक सपा का है, 2 बसपा के और 4 विधायक इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह कुल 228 विधायक इस समय होते हैं। 2 विधायकों का निधन हो गया, उससे सीट खाली है।
अब यदि इन इस्तीफों को थोड़ी देर के लिए सही माना जाए और इस कैलकुलेशन पर विचार करें, तो यदि हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा सही है तो कांग्रेस पार्टी की ताकत 114 से घट के 113 रह जाएगी। उसके बाद चार जो निर्दलीय विधायक है, दो बसपा के और एक सपा का, ये मिला के 7 होते हैं। तो ये 7 यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं तो भाजपा की ताकत 114 हो जाएगी फ्लोर पर। ऐसी स्थिति के अंदर जहां पे कांग्रेस 113 और भाजपा 114, इस तरह कहीं ना कहीं बाजी बीजेपी के हाथ जा सकती है। इस समय दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये कि राज्यसभा का चुनाव होना है और वर्तमान कैलकुलेशन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एक ही सदस्य दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन यदि बीजेपी उलटफेर कर देती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के 2 राज्यसभा सदस्य दिल्ली जा सकते हैं, वहीं सरकार भी उनकी बन सकती है। तीसरी खास बात यह है, ये तो जो हमने बात बोली ये भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, इस पूरे ऑपरेशन को लेके बोली। ये अलग बात है कि बीजेपी के तमाम नेता इस ऑपरेशन से का खंडन कर रहे हैं, और लाजमी भी है। जब कोई भी ऑपरेशन चलाया जाता है उसके सफल होने की संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना सीक्रेट रहता है। लेकिन अब तो ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक और एक निर्दलीय विधायक शेरा भैया बेंगलुरु में है, लापता है, 4 दिन से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदरूनी तौर पर ज़रूर पक रही है। ये तो जो जितनी बात है ये बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। अब यदि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो खबरें आ रही है, बीजेपी के जो विधायक है संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल, कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये तीनों विधायकों ने अलग अलग मौके पर आज इस बात का खंडन किया कि वे कांग्रेस पार्टी में नहीं जा रहे, कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन जो अपुष्ट खबरें आ रही है वो लगातार ये आती रही है कि संजय पाठक कल रात को सीएम हाउस भी गए थे, वहाँ भी उनकी उपस्थिति देखी गई, लेकिन आज उन्होंने अपना वीडियो जारी करके कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही हूँ। पर ये अलग बात है कि इस समय उनका पत्ता ओपन नहीं है। पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से 3 कांग्रेस विधायकों को अपने कब्जे में लिया है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल के लिए 3 बीजेपी विधायकों को अपनी तरफ ले रखा है। खबरें यहां तक भी आई जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि नीमच मंदसौर संसदीय सीट के बीजेपी के एक विधायक कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस उनसे पाला बदल करवा सकती। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं और जब इस तरह की कवायद चलती है तो सारे मामले ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं और वही खबरें होती है जो खबरें छन छन कर मीडिया तक पहुंचती है। हकीकत तो तब पता चलती है जब पूरी घटनाक्रम सामने आता है। तो कुल मिलाकर इस समय मध्य प्रदेश का सियासी पारा पूरा तरह चढ़ा हुआ है और बाजी किधर भी जा सकती है, क्योंकि जो विधायकों का फ्लोर के ऊपर जो संख्या बल है उस मान से कोई ना कोई रणनीति ज़रूर है जिसके तहत कमलनाथ सरकार को जो है गिराया जा सके और राज्यसभा के अंदर अपनी ज़्यादा सीटें बीजेपी ला सके। यदि ये ऑपरेशन सफल होगा तो साफ तौर पे दिखेगा बीजेपी इसका सहरा बांधेगी, और यदि असफल होगा तो बीजेपी आखिरी में कह देगी कि ये कांग्रेस का अंदरूनी खेस्तान का मामला था, उनकी अंदरूनी अंतर्कला थी। खबरें भोपाल से और भी आ रही है, ये भी आ रही है कि कमलनाथ मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। वो ऐसा ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि जो असंतुष्ट लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं उनको जगह दी जा सके। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार को खतरा दिखाई देता है, इसीलिए तत्काल रातों रात जो वीके सिंह DGP उनको बदला गया, उनकी जगह जो है विवेक जौहरी को जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको नया DGP चुना गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर घट रहा है। आज दिग्विजय सिंह भी ताबड़तोड़ अपने कार्यक्रम निरस्त करके भोपाल पहुँचे, कमलनाथ को भी आज भोपाल के बाहर दौरे पर जाना था
लेकिन उन्होंने वो दौरा निरस्त कर दिया और वो डैमेज कंट्रोल की सारी कवायदें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट की कोई ना कोई कवायद जारी है जो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ये जब पूरे मामले का खुलासा होगा तब हकीकत का पता चलेगा। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।